अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो आज मैंने जाना है, कुछ चीज़ें मैंने लेनी है। तो बेटी मेरी की तबीयत भी खराब, उसकी भी मैंने उसको डॉक्टर के पास मैं लेकर जाऊंगी अभी। तो बेबी की तबीयत भी खराब है, उसको भी मैंने डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैंने दो अलग अलग डॉक्टरों के पास जाना है आज। तो कुछ चीज़ उन भी जानी की शादी भी लेनी है, एक शादी है उधर भी जाना है। तो शादी के लिए शॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत। हाँ, शादी के लिए शॉपिंग करनी है। तो ये थोड़ा सा आज भी दिन मेरा बिजी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सुकून तो है नहीं। सुकून है, टाइम नहीं है, फ्री टाइम नहीं है। मैं फ्री तो रह नहीं सकती, क्योंकि रात को भी बेसुकूनी, देर को भी बेसुकूनी। तो अल्लाह पाक हर एक को सुकून अता करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी बहुत खुश हूँ। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये सब इतने खूबसूरत दिन दिए हुए हैं। तो बच्चे अल्लाह ताला ने अता किए हुए हैं, जिनकी जिम्मेवारियाँ जो है मेरे ऊपर अल्लाह पाक ने डाली हैं, इसका मुझे अल्लाह पाक ने बनाया है, तो ये सब हुआ है। तो चलते हैं आप जी। अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो मेरा बेटा लेकर जा रहा है रक्षी पर, हम जा रहे हैं अब डॉक्टर के पास। मेरा को ना ठंडी ठंडी हवा लगी है ना, तो वो सो गई है। मुझे तो नहीं पता था बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं तो नीचे रहती हूँ, हमारा तीन मंजिल मकान है ना, मकान है तो हम सबसे नीचे रहते हैं। तो हमारा मकान तो ठंडा है, हमने तो कभी पंखा लगाया नहीं है। तो ये आज बाहर निकले हैं तो हमें पता चला है क्या क्या हो रहा है। तो आज इतनी गर्मी ज़्यादा है, आज भी ज़्यादा गर्मी है। मेरा को ठंडी ठंडी हवा लग गया था, ये सो गई है। अभी हम डॉक्टर के पास आए हैं, बच्चों को चेकअप कराएंगे। तो अब हम जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना ज़रूरी काम करेंगे, क्योंकि मीरब के साथ मसला बन गया था। तो अभी हम जाएंगे, मैंने बोला है जो जो रास्ते पर आती हैं ना, जो चीज़ें लेनी है वो ले लें, तो फिर हम चलते हैं। अभी हमने बैग लेना था, तो बैग देखने लगे हैं, तो कीमती तो मुनासिब ही थी, कोई नहीं, इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन चीज़ अच्छी नहीं मिल रही थी। यानी कि एक चीज़ जो अच्छी होती है ना, वो नहीं थी, और जिसके लिए मैंने लेना था वो उसको पसंद भी बड़ी मुश्किल से आती है चीज़। इधर से हमारी बात नहीं बनी, फिर हम चले गए पूरा राजा बाजार हमने फिरा। हर तरह की वैरायटी थी, हर तरह की यानी कि एक चीज़ थी, लेकिन पसंद नहीं आ रही थी, एक अच्छी चीज़ नहीं लग रही थी। तो लेना भी मेरी बेटी ने ऐसा था ना, जो उसको यानी कि एक यहाँ से हमने बैग लेना था, तो बैग मुझे अच्छे नहीं लगे। एक बैग इतने सख्त थे ना, लकड़ी की तरह थे। तो मैं अपनी बेटी को मैंने बोला, बेटा मुझे अच्छे नहीं लग रहा है, तो इतने पैसे भी मांग रहा है, तो पैसे भी इतने बच्चे एवें नहीं आते। तो फिर हम ना हमने छोड़ दिए। सुमैरा को तो अपना बैग इतना याद नहीं था, लेकिन मुना कहती थी ये भी मैंने लेना है, ये भी मैंने लेना है। मैंने बोला, बेटा अभी आपकी बारी नहीं आई। हमारा जो पंखा था वो पिछले साल में ख़राब हो गया था, तो हमने सोचा फिर इस साल में ले लेंगे। तो अभी तो ये साल आ गया, तो हमने पंखा लेना है, तो वो भी इधर से लेंगे, राजा बाजार से ही हमने लेना है।
यहाँ से मैंने पिछले साल एयर कूलर लिया था तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चला है, तो इसलिए मैंने फिर भी इसी दुकान पर आई हूँ पंखे के लिए भी। तो आप पंखा ले लेंगे? मैंने चूल्हे भी पूछे हैं यहाँ से, उनकी कीमतें मैं पूछ रही थी भाई कैसे कैसे है, क्योंकि मैंने अभी जो आने वाला वक्त है उसमें मैंने चूल्हा लेना है। तो ये हमने चाइना मार्केट से समोसे लिए हैं क्योंकि हमें माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया था घर से निकला हुआ, तो भूख लग गई थी बच्चों को, तो ये हमने समोसे लिए हैं। तो मैं तो सादा समोसा ही खाती हूँ, मैंने चटनी वटनी मैं बाज़ार की नहीं खाती, खाती तो खैर नाल मैं ये भी नहीं हूँ, लेकिन भूख मुझे ज़ोर की लगी हुई थी तो मैंने ये मजबूरी थी खाना, तो ये मैं खा रही हूँ। देखें मीरव ने क्या किया, मीरव बेचारी को इतनी सख्त चोट लगी, इतनी चोट सख्त लगी जो इसका जो है ना बेचारी तो बहुत खून भी बह रहा था। तो हमें आते आते घर में बहुत टाइम हो गया था, शाम हो गई थी, तो हमने ना सिंपल सी रेसिपी जो है ना ये देख रहे हैं, थोड़ी भिंडी पड़ी थी घर पे तो वो हमने बना ली, प्याज बच्ची ने ज़्यादा काट दी, तो मैंने फिर ज़ाया होने से बेहतर है मैंने बोला इसमें डाल दो। तो अब शुएब माशाल्लाह पंखा लगा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा जो है ना ये अब माशाल्लाह सब कुछ आप खुद कर लेता है, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, मेरे बेटे ने खुद पंखा लगाया, खुद सब कुछ किया, तो पंखे की ये खुशी है ना वो तो ज़्यादा हो गई थी। तो अल्लाह पाक हर एक को खैर करे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ ही जी अल्लाह।